सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूं आपका प्लस टू पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। आज हम बुक दो लेसन नौ वैश्वीकरण के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट बनाने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से पेज बाय पेज। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक प्लस टू पॉलिटिकल साइंस लेसन नौ वैश्वीकरण। देखिए इस लेसन में से एमसीक्यू बहुत कम बनते हैं वैसे तो, लेकिन जो बनते हैं उन्हें हम देखेंगे। अब सबसे पहला देखिए, वैश्वीकरण की जो अवधारणा है उसमें बुनियादी बात क्या है? आपका आंसर है प्रवाह। प्रवाह किस चीज़ का हो सकता है? चाहे वो वस्तु हो, सेवाएं हो, मुद्रा हो, किसी भी रूप में हो सकता है। मतलब विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना, पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना और व्यापार का, तो ये सारा प्रवाह है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट भी बनता है और एमसीक्यू भी, कि वैश्वीकरण की अवधारणा की बुनियादी बात क्या, तो आपका आंसर है प्रवाह। चलिए आगे देखते हैं इससे कुछ। वैश्वीकरण किस तरह की अवधारणा है? आपका आंसर है बहुआयामी। अगर आपको वेरी शॉर्ट आ जाए तो ये बहुआयामी धारणा, इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी बातें सम्मिलित हैं। आपको इतना लिखना। संचार क्रांति क्या है? टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व को विभिन्न भागों में संचार क्रांति शुरू की। मतलब आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनकी सहायता से भेज सकते हैं। ये एक वेरी शॉर्ट आता है या एमसीक्यू की फॉर्म में आता है। कल्याणकारी राज्य की की जगह आप किस राज्य ने स्थान ले लिए? तो आपका आंसर है न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने। मतलब कल्याणकारी अवधारणा के स्थान पर अब किस अवधारणा का विकास हो रहा है? तो आपका आंसर है न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य, क्योंकि अब जो राज्य हैं वो उद्योगों में और जो दूसरी कंपनी आ रही है उनमें हस्तक्षेप कम करने लग गए हैं। ये आपका ट्रू फॉल्स में आ जाता है। वैश्वीकरण के कारण राज्यों की ताकत में इजाफा हुआ है, सही या गलत? तो आपका आंसर है सही। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में, विश्व की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई है? तो आपका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। ठीक है जी। देखिए नई आर्थिक नीतियों के निर्धारण में किसने भूमिका निभाई है? तो आपका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। आर्थिक वैश्वीकरण क्या है? देखिए इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। मतलब जो पैसों का लेन देन है एक कंट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी में, इस तरह से तेज़ी से चलता है, इसे हम आर्थिक वैश्वीकरण या आर्थिक प्रवाह कहते हैं। अगला देखिए जो आपका है एमसीक्यू, आर्थिक वैश्वीकरण से किसे फ़ायदा हुआ? तो आपका आंसर है बड़े छोटे से तबके को फ़ायदा हुआ, एक छोटे तबके को ही इसका फ़ायदा मिला, क्योंकि देखिए जो मेन इसका बेनिफिट मिलेगा वो बिजनेसमैन को।
आर्थिक वैश्वीकरण को किस नाम से संबोधित किया जा सकता है? आपका आंसर है पुनः उपनिवेशीकरण। देखिए ये चीज़ आपको गाइड में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है जी। आर्थिक वैश्वीकरण को पुनः उपनिवेशीकरण भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए संस्कृति क्या होती है? जब हम किसी दूसरे का पहनावा खान पीन को देखकर प्रभावित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रभाव। और इससे संस्कृतियों को खतरा पहुंच रहा है, मतलब जो हम अपनी रीति रिवाज परंपराएं हैं वो भूलते जा रहे हैं और दूसरे देशों के अपनाते जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारे रीति रिवाज हैं उन्हें खत्म होने का खतरा हो गया। अमेरिकी संस्कृति का प्रतीक क्या है? बर्गर और नीली जींस। देखिए नई आर्थिक नीति भारत में कब अपनाई? आपका आंसर है 1991 में। ये ना भारत में आर्थिक सुधारों की योजना कब शुरू हुई? तो आपका आंसर है 1991 में। विश्व व्यापार संगठन के लिए मंत्री स्तरीय बैठक कब हुई? तो आपका आंसर है 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1995 में। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब हुआ उसका? 1999 में। WSF की फुल फॉर्म? वर्ल्ड सोशल फोरम। फुल फॉर्म जरूर आती है पेपर्स में, तो ये WSF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड सोशल फोरम। और वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई? तो आपका आंसर है 2001 में ब्राजील में। और चौथी बैठक 2004 में मुंबई में हुई है इसकी। देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम क्यों बनाया गया है? ये नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध करने के लिए, मतलब ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसका विरोध करने के लिए एक मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम। और पहली बैठक इसकी कब हुई? 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अलगेरे में। और 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई। वैश्वीकरण के खिलाफ भारत में आवाजें किस मंच ने उठाई हैं? इंडियन सोशल फोरम नहीं। चलिए इसी के साथ अपना लेसन ख़त्म हुआ। देखिए बहुत ही कम प्रश्न थे इस लेसन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।